किसान संघर्ष समिति ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश की मंडियों में बागवानों के साथ हो रही लूट का विरोध किया। समिति के सचिव संजय चौहान ने कहा कि ठियोग थाना में 23 नवंबर को 11 किसानों ने आढ़ती के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, लेकिन पुलिस द्वारा एक माह का समय बीत जाने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि वो मांग करते हैं कि आढ़ती के खिलाफ शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाए, वहीं आढ़तियों के पास फंसे बागवानों के पैसों का जल्द भुगतान किया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो किसान संघर्ष समिति आगामी समय में किसानों को लामबंद कर आंदोलन करेगी। हिमाचल प्रदेश किसान संघर्ष समिति के सचिव संजय चौहान ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि बागवानों का प्रदेश की मंडियों व मंडियों से बाहर शोषण हो रहा है और उनके साथ लूट हो रही है। उन्होंने कहा कि एपीएमसी व प्रदेश सरकार किसानों बागवानों के हितों की रक्षा करने में विफल रही है। किसान संघर्ष समिति के प्रयासों से 23 नवंबर को ठियोग थाना में दोषी आढ़ती के विरुद्ध 11 बागवानों द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, परंतु एक माह बीतने के बावजूद पुलिस द्वारा मुकदमों में नामजद अभियुक्त के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि कई वर्षों से प्रदेश की मंडियों में आढ़ती बागवानों के सेब का भुगतान नहीं कर रहे हैं। बागवानों द्वारा एपीएमसी में शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे एपीएमसी की कार्यप्रणाली भी संदेहास्पद हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि आढ़तियों द्वारा बागवानों से खरीदी गई फसल की पेमेंट नहीं की जा रही है। यदि बागवान अपने पैसे मांगते हैं तो उन्हें डराया धमकाया जाता है। ये चलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और आज करीब 60% बागवानों को बकाया भुगतान आढ़तियों से लेना है। संजय चौहान ने कहा कि किसान संघर्ष समिति मांग करती है कि बागवानों द्वारा दोषी आढ़तियों के विरुद्ध की गई एफआईआर पर सरकार तुरंत कार्रवाई करे। सरकार एपीएमसी कानून 2005 के प्रावधानों, जिसमें खरीदार से अग्रिम राशि रखने का प्रावधान करे और बागवानों का भुगतान बोली अंतिम होने पर तुरंत किया जाए। उन्होंने कहा कि संघर्ष समिति मांग करती है कि प्रदेश की मंडियों से बागवानों की लूट को तुरंत बंद किया जाए और दोषी आढ़तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, अन्यथा किसान संघर्ष समिति किसानों को संगठित कर एक आंदोलन खड़ा करेगी। एक बड़ी संख्या ऐसी हो गई है जो बागवानों की, सेब बागवानों की, जिन्होंने जो है एक साल पहले, दो साल पहले, तीन साल पहले या इस साल जो है वो सेब जो है वो बेचा था, परंतु आढ़ती जो है उनकी पेमेंट नहीं कर रहे, प्रदेश की सरकार से अभी भी मांग कर रहे। पहली मांग हमारी है कि ये जो एफआईआर ठियोग के अंदर और नारकंडा के अंदर जो 12 लोगों ने की है, इस पर जो लोग एक्यूज्ड है उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए कानूनी तौर पर जो है, और जिन लोगों ने एपीएमसी के अंदर जो कंप्लेंट की है एपीएमसी जो है वो एफआईआर दर्ज करे। दूसरी हमारी मांग है कि जो बिना लाइसेंस के जो है यार लाइसेंस न्यू बिना कराए जो आढ़ती जो है कारोबार करता है एपीएमसी की मिली भगत से, उसको चेक किया जाए। तीसरी हमारी मांग है ये जो गैर कानूनी कटौती जो है 5 रुपये कानूनी तौर पर जो है प्रति पेटी जो कटौती एपीएमसी एक्ट के अंदर है, उसके अलावा जो है कहीं 10 रुपये किसी मंडी में लिए जा रहे, कहीं 15 रुपये लिए जा रहे, कहीं 20 रुपये लिए जा रहे, कहीं 30 रुपये लिए जा रहे, ये जो गैर कानूनी कटौती जो की गई है इसको भी जो है वो वापिस जो है जिन किसानों से हुई है, क्योंकि ये करोड़ों रुपए की लूट जो है वो होगी अगर प्रदेश की सरकार और एपीएमसी इसको जो है नहीं करती है, तो किसान संघर्ष समिति जो है किसानों को संगठित करके जो एक बड़ा आंदोलन वो करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।